Today we are going to learn about purchase book and sales return book. In previous class, we have studied about cash book, types of cash book. मतलब क्या last class में हम लोग देखे हैं आपको जो है cash book कैसा बनाया जाता है. एक तो आपको single column था, double column था. So वो substitute book का एक सबसे पहला special book था. सो उसका कंटिन्यूशन जो है सब्सिडी बुक का कंटिन्यूशन जो है इसमें भी हम लोग देखेंगे एक क्लास में भी. जैसे कि आपको परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक इसमें हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल सी द मीनिंग ऑफ परचेज बुक. सो परचेज बुक मीन्स वी विल रिकॉर्ड ओनली द क्रेडिट परचेसेस, नॉट कैश परचेसेस और एनीथिंग विच आर बिजनेस आर नॉट डीलिंग लाइक परचेस ऑफ कंप्यूटर, परचेस ऑफ मशीनरी, ऑफ फर्नीचर, ऑफ फर्नीचर लाइक थिंग एक्सेट्रा. एंड वी विल रिकॉर्ड दोज थिंग्स आर दोज गुड्स विच आर डीलिंग बाय द बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल द बिजनेस आर डीलिंग स्टेशनरी आइटम. सो विल रिकॉर्ड ओनली द स्टेशनरी आइटम्स ओनली, नॉट द एनी अदर आइटम. सो दिस इज मीनिंग ऑफ परचेज बुक. सो परचेज बुक का मतलब क्या, जो उधार में जो भी खरीदा जाता है सो वो सारे बुक में लिखा जाता है. और कैश का जो है, कैश जो खरीदा जाता है वो तो हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो कहाँ चला जाएगा, कैश बुक में चला जाएगा. और बिजनेस जो भी जो है बिक्री के लिए जो भी सामान जो है खरीदते हैं तो वही चीज़ को क्या करेंगे इसमें हम लोग लिखेंगे. जो चीज़ जो है बिजनेस के लिए जो है, जैसा कि आप खरीदते हैं, जैसा कि बिजनेस पर्पज़ के लिए, सेलिंग पर्पज़ के लिए नहीं खरीदते हैं, वो चीज़ को हम लोग क्या नहीं करेंगे, सब परचेज बुक में एंट्री नहीं करेंगे. जैसा कि कंप्यूटर खरीदें, आपका फर्नीचर खरीदें, नहीं तो आप क्या मशीनरी खरीदें, तो वो सब जो है चीज़ इसमें हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे. सो फर्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट देखेंगे, देन विल गो टू द न्यूमेरिकल पार्ट. सो अंडर फर्स्ट कॉलम डेट विल कम, देन पर्टिकुलर्स, देन इनवॉइस नंबर, then LF, then details, then here total amount rupees. Here we'll write purchase book, or we can say that is purchase journal also. So this is a format. So first one date column, then particular. So particular means नेम ऑफ द सप्लायर, फ्रॉम होम द बिजनेस ऑफ परचेसिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, ये वाला आएगा यहाँ पे. द इनवॉइस नंबर दैट मीन्स बिल नंबर, द LF. सपोज आफ्टर प्रिपेरिंग यू वॉन्ट टू प्रिपेयर इंडिविजुअल अकाउंट मीन्स हियर विल राइट द पेज नंबर ऑफ लेजर फोलियो, देन डिटेल्स. सो दिस एन आउटर कॉलम, दिस इज सम एडजस्टमेंट यू वॉन्ट टू डू एनी प्लस आर माइनस, सो विल डू विथ दिस कॉलम ओनली एंड नेट अमाउंट विल टेक इन आउटर कॉलम. तो इसमें जो है आपका सबसे पहले जो है डेट कॉलम आएगा, देन इसमें जो है पर्टिकुलर मीन्स नेम ऑफ द सप्लाई, मतलब किससे जो है हम लोग उधार खरीदें उनका नाम आएगा. देन इनवॉइस नंबर जो है बिल नंबर बोलते हैं, LF मतलब जो है इसके बाद अगर आप चाहिए तो आप क्या इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं, उसका जो है लेजर पोली का जो है पेज नंबर आ जाएगा. डिटेल मतलब यहाँ पर जो भी आपको जो है आप सामान खरीदें उसका रेट प्लस साथ में जो है डिस्काउंट वगैरह, अगर कोई एक्सपेंसेस वगैरह होता है प्लस माइनस जो भी करते हैं इसमें करना है. बाद में नेट अमाउंट जो है आपको क्या करना है, नेट आइटम को बाहर लिखना है. सो दिस इज फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक. लेट सी द क्वेश्चन, वी हैव वन क्वेश्चन, जो हम लोग पास एक क्वेश्चन है उससे जो है हम लोग क्या करेंगे अच्छी तरह जो है आपको परचेज बुक समझ में आ जाएगा. रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक. सो 2020 मार्च 1st परचेस्ड फ्रॉम Mohan Furnishes Delhi, invoice number 516. Now the name of item is 20 chairs at the rate of rupees 150 each. मतलब क्या है यहाँ पर किससे खरीदा है, जो है आपका पहला जो ट्रांजेक्शन जो है आपका मोहन फर्नीसेस दिल्ली से जो है उनसे खरीदा है. तो ये जो है 2020 then March 1st, the name of the supplier is Mohan Furnishes Delhi. Mohan
furnishes Delhi. So name of the item is, the invoice number is given. So invoice number diya hai 516. The next name of item, 20 chairs at the rate of rupees 150 each. At the rate of rupees 150 each. So 20 multiply 150, it will come rupees 3000. Will come. The next item and same date, 2 tables at the rate of rupees 400 each. 2 tables at the rate of rupees 400 each. Then 2 into 400, it will come 800. So here trade discount is given. Trade discount should be deducted from what amount? Now the total is 3800 less trade discount. Trade discount at the rate of 10%. So 10% of 3800. So it will come rupees 380. If I deducting 380, it will come 3420. अगर आपको जो है इसको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा, 20 chairs into 150 ईच. एक चेयर का जो है आपका 150 है, 20 chair है, उसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3000 आ जाएगा. फिर उसी तरह 2 table है, उसका एक टेबल का जो दाम जो है 400 रुपया, इसे इंटू करेंगे तो जो है आपको आ जाएगा 800. साथ में जो है बिजनेस को डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट मतलब जो है आपको क्या करना है, डिडक्ट करना. सो 10% जो है आपको 3800 से निकालेंगे तो 380 आएगा. सो अगर माइनस करेंगे तो इट विल कम जो है आपका 3420 रुपया आएगा. सो दिस है फर्स्ट ट्रांजैक्शन. देन सेकंड, मार्च 7 बॉट ऑफ रॉय एंड कंपनी हैदराबाद जो है आपका सेकंड जो है 7 मार्च को जो है रॉय एंड कंपनी से जो है सामान जो है खरीदा है. रॉय एंड कंपनी हैदराबाद. इनवॉइस नंबर इज गिवन 700. सो व्हाट आर द आइटम्स परचेज फ्रॉम रॉय एंड कंपनी? 2 tools एट द रेट ऑफ रुपीज 125. 2 stools at the rate of rupees 125 each. So 2 into 125 it will come 250. Then next one, 10 collapsible chair at the rate of rupees 20 each. 10 collapsible chair at the rate of rupees 20 each. Now what will come? 10 into 20 will come 200. So dono multiply karenge to aapko kitna aayega? 200 rupees aa jayega. Abhi discount yahan pe bhi, so yahan there is no discount. Isko kya karna, total karna. Now 450, but some of the expenses are given. सो द एक्सपेंसिस गिवन मीन्स डायरेक्ट विल ऐड विथ वाट आइटम, मतलब अगर एक्सपेंसिस दिया तो क्या करना, ऐड करना. सो इन दिस केस एक्सपेंसिस गिवन डिलीवरी इन कॉटेज रुपीज़ 15 रुपीज़ एड डिलीवरी एंड कॉटेज, क्योंकि ये सामान जो है आपका खरीदते वक्त एक खर्चा हुआ है, तो इसलिए क्या करना, उसको साथ में प्लस करना है. तो आप आ जाएगा 465. Next transaction, 21st March, purchase from Karamchand, Bareilly, invoice number 909. So purchase from Karamchand,
Bareilly. Invoice number is given 909. आपको जो है नेक्स्ट ट्रांसफर जो है 27 मार्च में हुआ है, करमचंद बरेली से जो है खरीदे हैं। सो इसमें जो है आपका 10 shares at the rate of ₹150 ईच, 10 shares at the rate of ₹150 ईच। सो 10 shares into ₹150 ईच इट विल कम ₹1500। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1500 आ जाएगा। द नेक्स्ट आइटम 15 steel cabinets एट द रेट ऑफ ₹150। 15 steel cabinets ईच, सो 15 into ₹150 टू क्लम 2250. Now the total is 50, then 5 plus 2 7, then 1 plus 2 3, 3750. Here trade discount is given, less trade discount at the rate of 10%. So 10% of 3750, it will come 375. Now we have to deduct this item, then 10 minus 5 5, here 4, 14 plus 7, so 14 minus 7 it will come 7, then 6 minus 3 3, then 2 minus 1 sorry last one is 3, 3375. So here bracket indicates minus sign, यहाँ पर जो है bracket जो है minus sign है। Then some of the expense also given in this question, packing and delivering charges, आपको अगर expense दिया तो उसको क्या करना है, add कर लेना, packing and delivering charges ₹25. Now the total is 3400. Then next item 25th March, purchased from Ram and Sons Chennai 2 typewriter at the rate of ₹7750 for office use. So this item we will exclude. Why means, so the business are dealing only the furniture item. So in this case last one 25th March is given 2 typewriter, so typewriter is not dealing by the business, so that's why we will omit this item. Matlab kya, ye jo 25th ko March ka jo hai aapko diya hua hai, so 2 typewriter usko jo hai account mein nahi lena, purchase book mein nahi lena, kyunki jo hai business jo hai aapko kya nahi karta hai, ye furniture item deal karta hai, आपको जो है टाइपराइटर का आइटम डील नहीं करता, इसलिए क्या करना उसको छोड़ देना, नोट में लिख देना। नाउ वी टोटलिंग द आइटम, ₹3,420 plus ₹400, so that is ₹3,885. Then 3,400, then it will come 7,285. So this amount will be transferred to purchase book. So we have to close this purchase book. आपको purchase book को close करना है 31st March. Purchase account debit. मतलब क्या, इसको जो है आपको ये इतना सारा आइटम को क्या करना, परचेस बुक में ट्रांसफ़र कर देना, क्योंकि जो है परचेस हमेशा डेबिट में आता है, वी नो, सो परचेस ऑलवेज कम्स अंडर डेबिट, सो दैट्स व्हाई हियर आई रिटर्न हियर डियर। सो ये आइटम को क्या करना, सो परचेस बुक में जो है ट्रांसफ़र करना। सो दिस वे ओनली वी विल मेंटेन द परचेस बुक। सो नेक्स्ट वन, परचेस रिटर्न,
purchase, return, book, or we can say purchase, return, outward. सो इसको नेक्स्ट जो है आपका परचेस रिटर्न बुक और परचेस रिटर्न आउटवर्ड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेस रिटर्न बुक मीन्स इट ऑल्सो सब्सिडी बुक विच आर मेंटेन टू रिकॉर्ड गुड्स आर मेटीरियल विच आर रिटर्न टू द सप्लायर दैट हैज़ बीन परचेस्ड ऑन क्रेडिट. मतलब क्या ये भी एक तरह जो है आपको जब सामान जो है आप खरीदा वाले को जो है वापस करते हैं कुछ खराबी की वजह से जो उसमें क्या करना उसका भी अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है. तो कहाँ पे लिखेंगे परचेस रिटर्न बुक में, नहीं तो इसको बोलते हैं परचेस रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं. ये कब वापस करेंगे होने से कुछ खराबी होने से क्या करेगा बिजनेस जो है वापस करेगा. तो उसको जो जो भी है आपको यहाँ पे आपको एंट्री करना है, ये बुक में एंट्री करना है, उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न बुक. नाउ विल सी द फर्स्ट विल सी द फॉर्मेट. पहला हम लोग फॉर्मेट देखेंगे then we'll go to the problem. First we know date column, then particulars. So particular indicate name of the supplier the goods are return. मतलब जो है यहाँ पर जो कौन सा supplier को हम लोग जो है return करते हैं वो आएगा. Here debit note, here LF, here details, here total amount. So this is a format. So date column, then particulars, debit note. Suppose debit note is given in the question means we'll record under debit note column. If anything is not given, we simply we leave empty. Then LF, details, the total. Now we'll see one problem on this purchase return book. Now the question is prepare purchase return book from the following transaction. So first we will prepare the format. So this is a format. Now we'll see the transaction. So now the year is given 2020, March, 4th March. Return to Roy and Company, Kolkata. So आपको क्या है किसको वापस किए हैं Roy and Company, name of the supplier है Roy and Company, Kolkata. Ryan Company Kolkata. Debit note is given 225. And here what are the items which are returned by the business means two collapsible chair at the rate of rupees 200 each. 200 collapsible chair at the rate of rupees 200 each. Two collapsible chair at the rate of rupees 200 each. 2 into 200, it will come 400. I think there is no any discount. So directly we can write under the outer column rupees 400. Next transaction. March 8. Return to Mohan Furniture, Delhi. March 8. Mohan Furniture, Delhi. Mohan Furniture, Delhi. So here debit note number is given. 245. Here, four chairs at the rate of rupees 150 each. Four chairs
at the rate of rupees, at the rate of rupees 150 each. Now four into 150 it will come 600. Here डिस्काउंट इज़ दैट, मतलब क्या है, चार जो है आपको क्या है, एक जो 150 है उसको क्या है वापस किया है, उसमें लेस थर्ड डिस्काउंट है तो उसको भी क्या करना है, माइनस करना है थर्ड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%. सो 10% ऑफ 600 इट विल कम 60, देन 540 right under order column. The next one, March 15 return to Rao Limited, Mumbai, debit note 315. March 15 return to Rao Limited, Mumbai. Debit notice number is 315. So one steel almirah rupees 4000. One steel almirah rupees 4000 directly we can write under order column. There is no discount. So directly we can write order column. So only three transactions are given. Now we are all the item we are record under purchase return book. Now we have to total the three items. So 400 plus 540, 940 plus 4000, 940. So this amount will be transferred to purchase return account. Now we have to close the purchase return book March 31st. Close karna hai. तो यहाँ पे आ जाएगा परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि आपको पता है परचेस रिटर्न जो है आपको कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा. सो दिस इज़ अ वे व्हाट वी कैन प्रिपेयर परचेस रिटर्न बुक. सो सपोज इफ़ यू वांट टू यू कैन प्रिपेयर इंडिविजुअल लेजर अकाउंट ऑल्सो. अगर आपको चाहिए तो लेजर अकाउंट भी इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. जैसा कि वो एक टू मैं करके दिखाता हूँ. सो दिस इज लेजर अकाउंट. सो वी कैन प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑल्सो फ्रॉम द सेल्स रिटर्न बुक. मतलब क्या, अगर आप चाहिए तो परचेस रिटर्न जो है परचेस रिटर्न से लेजर अकाउंट भी इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं. जैसा कि यहाँ पे मैंने बनाया सबको इंडिविजुअली, चारों का मतलब तीनों का. सो फर्स्ट वन इज आपका जो है राय एंड कंपनी कोलकाता. सो यहाँ पर जो है परचेस रिटर्न बुक में जो है आपका कितना रिटर्न किया इनका, रुपीज़ 400. तो यहाँ लिख देना डेबिट में मार्च 4 टू परचेस रिटर्न रुपीज़ 400 परचेस रिटर्न बुक 400. Then second, Mohan Furniture Delhi account. Then March 8th to purchase return book amount rupees 540. The last one, March 15th. To purchase return book rupees 4000. Now the total of purchase return book 4940. Here we will write by sundries as per purchase return book. So this way only we will prepare ledger account. मतलब क्या, अगर आपको चाहिए तो इंडिविजुअल ledger account भी
उससे जो है आप परचेस बुक से भी बना सकते हैं, परचेस रिटर्न बुक से भी बना सकते हैं। सो वेरी सिंपल है, आपको जो है आपको क्या करना जो है राय एंड कंपनी जो है आपको क्या हो जाए रिसीवर बन जाएगा, ये वाट गोस आउट अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट, इस अकाउंट कमिंग अंडर पर्सनल अकाउंट एंड दिस इज थिंग्स वाट गोस आउट, वो हिसाब से हो जाए रिसीवर बन जाएगा, ये सामान जो है वापस उसको जा रहा है। तो उसी तरह सबको डेबिट कर देना, क्योंकि आपको पता है जो इसको एंट्री बने तो कैसा बनेगा, हाउ टू मेक द जर्नल एंट्रीज राय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। नाउ दिस अकाउंट वी आर प्रिपेयरिंग राय एंड कंपनीज डेबिट, इन डेबिट वी विल टेक द करस्पॉन्ड एंट्री, वी विल पोस्टिंग द करस्पॉन्ड एंट्री टू द डेबिट साइड, क्योंकि आपको ये डेबिट है तो इसलिए जाके डेबिट में क्या करना टू परचेस रिटर्न बुक बोल के जो है आपको दिखा देना, बाकी वैसे ही है। और जो टोटल होता है परचेस रिटर्न बुक का उसमें लिख देना बाय सेंट्रीज एज पर परचेस रिटर्न, दैट मीन्स टोटल ऑफ परचेस रिटर्न बुक का इतना अमाउंट है, सो 4940। सो दिस मेथड दिस इज वे ओनली वाट विल प्रिपेयर लेजर अकाउंट। सो इसी तरह अगर आप चाहें तो लेजर अकाउंट भी बना सकते हैं। सो आपको जो है ये सब क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू।